पानीपत जिले के मालखा कस्बे में 24 साल के एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी पड़ोसियों ने 3 साल पुरानी रंजिश के चलते बदला लेते हुए बीती देर रात युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ हमले से युवक को गहरी चोटें आई और उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पड़ोसी महिला और उसके 2 बेटों समेत 2 अन्य लोगों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने बताया कि कई सालों पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई है। घटना ये करीब रात 8:30 बजे की बात है। मैं, मेरी वाइफ, मैं तस्ता का लड़का और मेरे भाई हम घर पर ही थे। मेरे पापा बीमार होया था तो मैं तस्ता का लड़का उसका पता लेने आया था। तो मेरे भाई हमारे एक दूसरा प्लाट है, मतलब हमारे घर से करीबन 100 मीटर के आसपास। तो वो उस प्लाट की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे हम भी थोड़ी देर बाद उसके वक्त पीछे पीछे चले गए। तो हमने देखा कि 3-4-5 जने लाठी का डंडा था मारन लाग रहे। एक जना उसने पकड़ रहा और वे बाकी उसका मारन लाग रहे। तो मैंने देखा एक तो हमारे पड़ोस में है बिमला, एक उसका पुत्र है सुमित, इसको मीतू कहते हैं, एक उसका पुत्र अमित कुकी, जो भी 2 साल पहले 2-2.5 साल पहले जेल में कैद कराया अंदर, अभी 2-2.5 महीने पहले ही बेल पर आया हो। तो मैं मुझे देख के ना मैं छोड़ के ना बात के और उसको मैं उठा के ना हॉस्पिटल में या मेडिकेयर में लेके आए। मेडिकेयर वाले बोले कि उसको आप ना पानीपत लेके चले जाओ। हम उसको पानीपत लेके आए तो उपचार के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। दूसरा प्लॉट था वहाँ, उन दोनों बैठ गया। बैठने के बाद घर आया, रास्ते में गेट मालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित परिवार ने बताया कि वो वार्ड नंबर 14 कृष्णा कॉलोनी मालखा के रहने वाले हैं। पिता मालखा के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। घर से करीब 100 मीटर दूर स्थित अपने प्लाट में भाई सचिन वहां पर चला गया था। उसके पीछे पीछे तीनों आरोपी भी चले गए कि तभी आरोपित युवकों ने अचानक सचिन पर प्लॉट के सामने पीछे से लाठी डंडों से हमला कर दिया। सचिन पर ताबड़तोड़ हमला करके आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। तभी घायल सचिन को मालखा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने हालत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसे पानीपत अस्पताल ले जाने की सलाह दी। डॉक्टरों की सलाह पर वो सचिन को पानीपत के एक निजी अस्पताल में लाए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दीपक पुत्र जोगिंदर वासी कृष्णा कॉलोनी से मालखा ने शिकायत दी है कि मेरा भाई सचिन ने प्लाट पर गया था, जो करीब मकान से 100 मीटर दूर बता रहा है। तो पीछे से उन्हीं के पड़ोसी सुमित रूप मिट्टू, ईश्वर का बिमला पत्नी ईश्वर और अंकित अमित पुत्र अमित और कुकी पुत्र ईश्वर, वह 2 अन्य ने उनके साधनों से मारपीट की और सिर में चोटें मारी। उसको सरकारी स्तर पर दिए गए मालखा से पानीपत में जाकर उसको भाई डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। केस रजिस्टर कर दिया गया है, जांच जारी है। पता का है मारने वाला पहले भी आरोपी है। मारने वाला के खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज हैं, मारपीट के और इस क्राइम के पर्चे दर्ज हैं और रात से भाग्या हुआ है, उसकी तलाश जारी है।
परिवार वालों का कहना है कि करीब 3 साल पहले आरोपियों से छोटी मोटी कहासुनी हुई थी, इसके चलते आरोपी पक्ष उनसे रंजिश रखता था। सभी आरोपी पड़ोस के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।